नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, अभी तक आपने चार वीडियो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पढ़े हुए हैं। दोस्तों, आज से आपको फिजिकल एजुकेशन में एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नवोदय विद्यालय फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसलिए दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज है जो एकदम क्वेश्चंस न्यू हैं और आपको कभी भी यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूबर के द्वारा नहीं पढ़ाए हुए मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस। और दोस्तों, एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए दोस्तों मैं थ्योरी नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि दोस्तों थ्योरी पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है और प्लस फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स कराने में बहुत लगता है। अब दोस्तों 10 दिन ही बचे हुए हैं, 10 दिन से भी कम समय बचा हुआ है, इसलिए दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करिए और भी जो बुक्स के प्रैक्टिस सेट हैं उनको ले आइए, आप हल करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि का प्रयोग किसको अधिक विकसित करने में किया जाता है? दोस्तों, यहाँ पे जो फार्टलेक शब्द है ये स्पीड प्ले, इसको स्पीड प्ले भी कहते हैं, और दोस्तों ये स्वीडन का शब्द है। और दोस्तों ये क्यों किया जाता है? दोस्तों आपको बता दें, जो सहन क्षमता यानी इंडोरेंस, इंडोरेंस को बढ़ाने के लिए फार्टलेक प्रशिक्षण विधि का उपयोग खिलाड़ी के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों ये स्वीडन में अपनाई गई थी, इसलिए दोस्तों इसे स्वीडन और इसका नाम दूसरा स्पीड प्ले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्यायामों के कितने समय के बाद मांसपेशियों से लैक्टिक एसिड हट जाता है? दोस्तों, कोई भी एक्सरसाइज की जाती है उससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और हमें दर्द महसूस होने लगता है। दोस्तों जो दर्द होता है वो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड आ जाता है। तो दोस्तों जब लैक्टिक एसिड शरीर पे आ जाता है, मगर दोस्तों आपको बता दूं कि जो 3 घंटे बाद वो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और हमारा शरीर फिर से तुरंत एक्टिव हो जाता है किसी भी एक्टिविटी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक से अधिक मांसपेशी बल को कम से कम संभव समय में प्रदर्शित करने की योग्यता क्या कहलाती है? दोस्तों अधिक से अधिक मांसपेशी बल को कम से कम संभव समय में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है मांसपेशीय शक्ति। दोस्तों मसल स्ट्रेंथ ही दोस्तों कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस मांसपेशीय संकुचन में ऊर्जा का तुरंत स्रोत है। दोस्तों ऊर्जा का तुरंत स्रोत क्या है? दोस्तों एटीपी। एटीपी क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा का तुरंत स्रोत है, जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि का आधारभूत स्रोत क्या है? दोस्तों जो फार्टलेक प्रशिक्षण है वो हमारा स्पीड प्ले यानी गति में परिवर्तन। दोस्तों हम गति में परिवर्तन क्या करते हैं? हम जो एथलीट होता है उसको हम विसलिंग से या उसे बता देते हैं इशारों से कि आपको कितना फास्ट दौड़ना, फिर 2 मिनट जॉगिंग करना, फिर 3 मिनट आपको स्प्रिंट मार के वॉकिंग करनी है, फिर इसके बाद आपको चलना है, इसके बाद फिर यानी उसमें एक कई प्रकार की जो खिलाड़ी होता अपने आप स्पीड को कम ज़्यादा करता रहता है, इसलिए दोस्तों इसे गति में परिवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वेट लिफ्टर जिसका भार 50 kg है वह क्लीन और जर्क में 140 किलो भार उठाता है, तो उसकी ताकत की क्षमता सापेक्ष गति की गणना कीजिए। दोस्तों अब हमें शक्ति की गणना करना है, पी बराबर W/T। दोस्तों इसमें जो वेट लिफ्टर है 50 kg का है, क्लीन जर्क 140 किलो उठाता है, उसकी ताकत की सापेक्ष क्षमता शक्ति की गणना कीजिए। दोस्तों इसकी जो शक्ति होगी वो 2.8 होता है। दोस्तों ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति की दौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दोस्तों जब हम दौड़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, पैरों की शक्ति, हृदय का आकार, पैरों की लंबाई, मांसपेशी फाइबर्स का प्रकार। दोस्तों जो हमारे मांसपेशी फाइबर होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है रेड फाइबर टिश्यू और एक होता है हमारा डब्लू यानी वाइट फाइबर टिश्यू। अब दोस्तों क्या होता है, जिसके शरीर पर जो वाइट फाइबर टिश्यू होते हैं वो दोस्तों जो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के एथलीट होते हैं 100 मीटर में उनके पैरों में पाया जाता है, और दोस्तों जो लॉन्ग रनिंग डिस्टेंस के होते हैं जैसे मैराथन हो गया और हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो गई तो उनमें दोस्तों रेड फाइबर्स टिश्यू पाए जाते हैं। तो दोस्तों यही दौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट ट्रेनिंग प्रक्रिया एक लंबी अवधि का मामला है जिसमें सामान्य प्रक्रिया शामिल होती है, कोई छोटा मार्ग नहीं है, चुनने के लिए विस्तृत विकल्प होते हैं, उत्तेजित होने के मार्ग पर चलते हैं। दोस्तों आपको बता दें जो स्पोर्ट ट्रेनिंग है वो कोई संक्षिप्त और छोटा मार्ग नहीं है। दोस्तों इसके जो नियम हैं, इसमें जो विधियाँ हैं, जो मेथड है, इसका जो पीरियोडाइजेशन है वो दोस्तों सबके लिए सेम है। ये नहीं कि आप दोस्तों एक दिन ट्रेनिंग कर लें और आपको शॉर्ट पुट फेंकना आ जाए, उसका दोस्तों एक टेक्निक है, उस टेक्निक को सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए दोस्तों टाइम हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रकार के खेलों में गति को निर्णायक घटक के रूप में देखा जाता है? दोस्तों बता दें जो हमारा खेलों में गति ही निर्णायक सब कुछ है, तो दोस्तों जो विस्फोटक खेल होते हैं उनमें हम गति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन नया है, आइसोकाइनेटिक्स विधि प्रशिक्षण की शुरुआत किसने की? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जे पैरिन ने स्टार्ट किया है। अब दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रियों और इंद्रियों यानी सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स की कार्यात्मक क्षमता को यानी घटक जो निर्धारित करते हैं। अब दोस्तों जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो कितना जल्दी क्विक मूवमेंट करती हैं, क्या करती हैं, ये सब दोस्तों रिएक्शन एलिजिबिलिटी होती हैं यानी प्रतिक्रिया योग्यता को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, हृदय प्रणाली को निम्न द्वारा सहन क्षमता स्पर्धाओं में प्रदर्शन करने के लिए बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है। अब दोस्तों जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और जो एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए बेहतर से बेहतर कौन सा प्रशिक्षक जरूरी है? यौगिक व्यायाम, एनारोबिक व्यायाम, एरोबिक व्यायाम, बैलिस्टिक एक्सरसाइज। दोस्तों बता दें जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, एरोबिक एक्सरसाइज ही हमारा अच्छा से अच्छा सहन क्षमता बढ़ा सकती है। दोस्तों जो ब्लास्टिक्स व्यायाम है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। एनारोबिक व्यायाम दोस्तों ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थित में, एरोबिक व्यायाम होता है ऑक्सीजन की उपस्थित में, और यौगिक व्यायाम होता है दोस्तों शरीर को मुलायम या सॉफ्ट बनाने के लिए और पूरे शरीर का मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए यौगिक व्यायाम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये भी और अच्छा क्वेश्चंस है, अधिक ऊंचाइयों पर प्रशिक्षण लोड भार अनुकूलन को कहते हैं। दोस्तों अधिक ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या होता है? दोस्तों जो हमारा थोड़ा सा पर्यावरण है उस पर्यावरण को थोड़ा सा, उस पर्यावरण में थोड़ा सा और घुल मिल जाना, जहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन की उपस्थिति कम हो वहाँ पर जब दोस्तों हम लोग कोई भी कंडीशनिंग करते हैं, कोई वर्कआउट करते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों होता है दशा अनुकूलन, यानी दोस्तों हम उस पर्यावरण के विपरीत हो जाते हैं। जैसे कि कोई एथलीट है यदि वो पहाड़ों पर ट्रेनिंग करने लगेगा तो दोस्तों वहाँ पर उसको ऑक्सीजन की कमी मिलेगी और वो जल्दी थकेगा और उसका जो वर्कआउट है वो थोड़ा सा और हाई लेवल का हो जाएगा, और जब वो किसी उपस्थिति है जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति है वहाँ पे जब कोई परफॉर्मेंस करेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। एरोबिक ऑक्सीजन युक्त फिटनेस को सबसे अच्छे से किसके द्वारा हासिल किया जा सकता है?
अब दोस्तों कह रहा है एरोबिक फिटनेस जो होता है वो किसके द्वारा हासिल कर किया जा सकता है, लंबी दूरी की दौड़े, तैराकी, छोटी तेज दौड़े या फाटलेक प्रशिक्षण। दोस्तों हमने बताया है जो फाटलेक प्रशिक्षण होता है वो दोस्तों हमारा इंड्योरेंस बढ़ाता है, छोटी तेज दौड़े दोस्तों हमारा स्पीड खोलती हैं, और जो तैराकी है ये भी एरोबिक एनएरोबिक एक्सरसाइज है, बट जो लंबी दूरी हैं दोस्तों लंबी दूरी की दौड़े ये दोस्तों हमारा एरोबिक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटनेस में कमी किसका कारण बनती है? दोस्तों अब फिटनेस में कमी, दोस्तों फिटनेस में कमी कब आएगी? दोस्तों जब हमारी मांसपेशी ऐंठन, दोस्तों जब हमारी मांसपेशी से हम कोई कार्य नहीं करेंगे तो दोस्तों धीरे धीरे हमारे शरीर में फैटी टिश्यू आएगा और हमारे फिटनेस को बहुत ही प्रभावित करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ताकत प्रशिक्षण स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों ऊतकों में परिवर्तन के कम से कम होने की संभावना पाई जाती है। दोस्तों इसके चार ऑप्शंस हैं, आप इसका सही ऑप्शन गेस करिए। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, मायोसिन लिगामेंट के आकार में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनमें तेजी से अनुकूलन प्रक्रिया पाई जाती है? दोस्तों तेजी से अनुकूलन प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है? शुरुआत करता, उच्च प्रदर्शन करता, मध्यम प्रदर्शन करता, अनुभवी प्रदर्शन। अब दोस्तों तेजी से अनुकूलन, अब दोस्तों आप समझ सकते हैं इस लैंग्वेज का मतलब क्या है। तेजी से अनुकूलन, अनुकूलन मतलब होता है किसी भी चीज़ में हम लोग धीरे धीरे सीख कर उस पर हावी हो चुके हैं, यानी उसके प्रति हम अनुकूल हो चुके हैं। तो दोस्तों अनुकूल शब्द है, जैसे अनुकूलन, अब जैसे एक 100 मीटर का एथलीट है, उसने क्या किया, धीरे धीरे प्रैक्टिस से उसने अपना रिकॉर्ड जो है वो 10 सेकंड कर लिया हुआ है, और जो एक नया लड़का है वो उसने कोई प्रैक्टिस नहीं किया वो उसके साथ दौड़ा तो दोस्तों उसने क्या किया, उसे लगा 13 सेकंड, और जो अनुकूली था उसके प्रति अपनी रेस के प्रति उसे लगा 10 सेकंड। तो दोस्तों इसमें होता है अनुभवी प्रदर्शन करता, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक सामान्य अनुकूलन है। अब दोस्तों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का क्या अनुकूलन है, इसमें क्या दोस्तों होता है, जो हमारा सार्कोमेरस की समांतर रूप से बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यह सच है कि ताकत यानी पावर प्रशिक्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप दोस्तों क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़िए, यदि आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैपिलरी का नया गठन करती हैं, कैपिलरी घनत्व में परिवर्तन के बिना। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। अधिक से अधिक प्रतिरोध के विरुद्ध काबू पाने की योग्यता क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, अधिक से अधिक यानी मैक्सिमस, अधिक से अधिक प्रतिरोध के विरुद्ध काबू पाने को कहते हैं अधिकतम ताकत। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों ये क्वेश्चंस आया हुआ था, मुझे याद है, केंद्रीय विद्यालय में। ताकत और गति के मेल की योग्यता को कहते हैं, यानी स्ट्रेंथ के साथ जब स्पीड को मर्ज कर देते हैं तो दोस्तों हमारे अंदर एक विस्फोटक शक्ति पैदा हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रतिशोध के विरुद्ध काबू करने और थकावट की स्थिति के विरुद्ध काबू पाने की योग्यता को कहते हैं? दोस्तों चार ऑप्शंस हैं, विस्फोटक ताकत, ताकत सहन क्षमता, ए और बी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो है ताकत सहन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल प्रशिक्षण विधि के लिए सबसे उपयुक्त सीजन या ऋतु है? दोस्तों जब इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं तो कौन सा मौसम सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 मध्य सीजन होना चाहिए।
प्रियोडाइजेशन को प्रभावित बनाने के लिए मुख्य विचार क्या है? कौशल विकास, युक्तियों का विकास, बुनियादी निर्माण, श्रेष्ठ परफॉर्मेंस की उपलब्धि। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। हमको परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए प्रियोडाइजेशन जो तीन प्रकार का होता है, माइक्रो, मैक्रो, मेसो, वो अपनी ट्रेनिंग में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो खिलाड़ी का परफॉर्मेंस होता है वो हाई लेवल तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लो कंटिन्यूअस, फास्ट कंटिन्यूअस, फर्स्ट लेग विधि किस प्रकार है? दोस्तों इसमें ये जो विधियाँ हैं, ये विधियाँ दे दी हैं, ये किसकी विधियाँ हैं दोस्तों? दोस्तों इसमें जो हमारा इंटर कंटिन्यूअस मेथड होता है, कंटिन्यूअस मेथड के द्वारा हम दोस्तों जो स्ट्रेंथ है वो, सॉरी, जो इंडोरेंस है वो बढ़ा सकते हैं। स्लो कंटिन्यूअस, फास्ट कंटिन्यूअस, फर्स्ट लेग विधि द्वारा हम क्या बढ़ाते हैं दोस्तों? इंडोरेंस। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर अच्छे स्वास्थ्य का रख रखाव निर्भर करता है? दोस्तों व्यायाम और आराम, आहार और पोषक तत्व, स्वच्छता और आते उपरोक्त में सही। दोस्तों यहाँ पे चारों ऑप्शंस एकदम राइट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रशिक्षण चक्र जिसकी सामान्य अवधि 3 से 10 दिन होती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो चक्र। माइक्रो चक्र दोस्तों 3 से 1 सप्ताह का होता है, और जो हमारा माइक्रो चक्र होता है वो दोस्तों हमारा सबसे बड़ा होता है, 1 साल तक का होता है। और दोस्तों हमारा जो मेसो चक्र है, मेसो चक्र 3 से 4 महीने तक का होता है। इसलिए दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो चक्र। माइक्रो चक्र दोस्तों सबसे छोटा, और जो उससे थोड़ा बड़ा मेसो, और उससे बड़ा माइक्रो, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ट्रेनिंग विधि में आराम की अवधि पर लाभदायक उपयोग किया जाता है? वेट ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, रिपिटेशन ट्रेनिंग। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रिपिटेशन मेथड में दोस्तों आराम की अवधि को लाभदायक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक खेल प्रशिक्षण सिद्धांतों को नहीं बनाए रखता? निरंतरता, सॉरी यहाँ पे भार की प्रगति है, भारत की प्रगति नहीं, भार की प्रगति, गतिविधि की मिथ्यता, नियमित अंतराल। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गतिविधि की मितव्यता। लास्ट क्वेश्चन है, कारक जो निर्धारित करते हैं विभिन्न तरीके की गति प्रदर्शन, वे हैं विस्फोटक ताकत, नर्वस सिस्टम, मांसपेशी संरचना। दोस्तों इसका आंसर आप दीजिएगा, इसमें जो चार ऑप्शंस हैं वो, ये तीन ऑप्शंस नहीं हैं, आप इसको नेट से सर्च करके इसका ऑप्शन दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों ये कुछ टॉप 30 क्वेश्चन थे जो स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड थे, और जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम्स होने जा रहा है उसमें आने की संभावना है। तो दोस्तों आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अरोही इंटर कॉलेज हरियाणा का फॉर्म अप्लाई किए थे उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, दोस्तों आप एडमिट कार्ड वहां से निकाल लीजिए, और जो एग्ज़ाम डेट है उसका 28 से 30 अक्टूबर के बीच 28 से 30 सितंबर के बीच में है। धन्यवाद दोस्तों।